ये देखो यहाँ तो सिलाई मशीन भी मिली हुई है हमें, तो अगर कपड़े वपड़े फटे हुए हैं कुछ है दिक्कत तो आप सिलाई कर सकते हो। ये हेयर ड्रायर है, फ्रिज है और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये बाहर का नज़ारा है, बालकनी। अब हमारा जो वॉशिंग मशीन है जिसमें हमने कपड़े धोए आज, क्योंकि वैसे आप वॉश कराओगे तो पैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ हमने खुद से ही धोए और सर्फ हमें यहाँ पे फ्री में मिला है। अगर होगा तो हमें सर्फ का पे करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखो ये अपने कपड़े धो रहे हैं, ये एक और है अगर यूज़ करना चाहो तो। कुछ कपड़े हमने धो दिए थे तो वो ये देखो, वो ये रहे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग अपना ट्रैवल जो है वो अंडर बजट करते हैं। और नीचे किचन भी है, वो भी दिखाता हूँ। ये देखो ये अपनी किचन है और इसमें देखो आज हम लोग क्या बना रहे हैं। आज हम लोग बना रहे हैं कढ़ी चावल। ये देखो ये सलाद के लिए अपन ने नींबू लहसुन मिर्ची रखी है। ये अपनी कॉफ़ी रेडी है और ये अपनी कढ़ी बन रही है। ये अपना काला नमक और ये दूध मरी है, मैंने यहीं से परचेस किया था। और अपने चावल अभी धो के रख दिए, तो थोड़ी देर में जैसे ही कढ़ी हो जाएगी तो उसके साथ ही इसको पकने के लिए रख देंगे। तो अपने कढ़ी चावल रेडी है। तो इस तरीके से हम लोग जो है, हम तीन लोग मिलके जो है ना बजट ट्रैवलिंग कर रहे हैं। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इस किचन की, सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि इससे पहले वाले में जहाँ रुके थे वहाँ पर भी सारी चीज़ें अवेलेबल थी, पर यहाँ पर जो है ना, मतलब मेरे को लगता है हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ इन्हीं का खाना है और ये शायद आइसक्रीम के लिए, तो अगर आपको आइसक्रीम पसंद है तो आप आइसक्रीम भी खा सकते हो। बट ये है बस उसका थोड़ा सा आपका चार्ज ऐड हो जाएगा। तो चीज़ें सारी अवेलेबल हैं और ऐसा है कुछ बाहर का नज़ारा। मेन स्ट्रीट से ज़्यादा दूर नहीं है, जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए, जैसे कि आपको प्याज लहसुन मिर्ची जो रेगुलर चीज़ें हैं, जो आपको जो भी आपकी डेली नीड्स की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर आस पास में ही मिल जाएंगे। सारी चीज शॉप्स जो हैं बगल में ही हैं, तो इसलिए ये वाली जो जगह है मुझे बहुत पसंद आई। तो ये पर्सनली मेरा फेवरेट अभी तक का अपार्टमेंट है। तो भाई देख लो, वियतनाम में कढ़ी चावल चल रहे हैं आज। ये देखो भाई, वाह मज़ा आ गया। वैसे हम आज सोच रहे हैं आज यहाँ की नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करें, तो तब तक के लिए सी यू सून गाइस। पहले मैं कॉफ़ी पीता हूँ यार अपनी, क्योंकि कॉफ़ी ठंडी हो रही है। हम लोग अपने होटल से निकल के आए हैं और अपनी चल रही है स्कूटी राइड। इसमें ना यार क्लिच नहीं है, ये देखो क्लिच नहीं है, ब्रेक के साथ ही आपको गियर लगाने हैं। और देखो मैं चल रहा हूँ रॉन्ग साइड में, लेकिन मज़ेदार यार। यहाँ पे जो अभी मैं सेंटर जा रहा हूँ, यहाँ का जो नाइट लाइफ का मज़ा है उसको लेने। तो देखते हैं यहाँ कौन सा बेस्ट प्लेस है जहाँ पे हम पार्टी कर सकते हैं। तो जो भी बेस्ट प्लेस होगा यहाँ पार्टी का वो आपको अपडेट करूँगा। तो भाई मैं पहुँच गया हूँ अभी चिल गार्डन में, जो यहाँ का सबसे बेस्ट क्लब है। अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसी है वाइब्स, आज मज़ा आने वाला है या नहीं। लेट्स गो इनसाइड। यार बहुत प्यारा लग रहा है नजारा।
तो भाई हम जो है ना अभी ये सेंटर में है और सामने की तरफ देखो वो है ड्रैगन ब्रिज। और ये देखो भाई नज़ारा उस तरफ देखो यार, ये कितना प्यारा लग रहा है जो रेड कलर के हट्स बना रखे हैं। वाओ का जो नज़ारा है ना बहुत प्यारा है, खासकर अगर आप रात को आओगे ना, यहाँ की लाइटनिंग सारी चीज़ें यार बहुत प्यारी यार, मतलब जो वाइब्स है ना वो एक अलग तरीके की वाइब्स आ रही हैं यहाँ के। दिन में ये लाइटिंग नहीं होगी दिन में अगर आप आते हो तो, लेकिन रात को देखो यार कितना प्यारा है। तरफ जो शिप दिख रहा है आपको वो एक पार्टी प्लेस है, वो जो शिप है वो एक क्लब है लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव होगा तो इसीलिए ये। वाओ कितना प्यारा है, अमेजिंग। और ये इसका एंड पॉइंट है, इसके आगे सिर्फ पानी ही पानी है। ये देखो कितने सारे लॉक्स लगे हुए हैं। यहाँ पे जो है ना आपको आना है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में बनना चाहते हो, और आपको ये लॉक देख रहे हो कितने सारे लगे हुए हैं। इस तरीके के लॉक हर जगह लगे हुए हैं, देखो हर्ट वाले लॉक हैं। तो भाई जो भी रिलेशनशिप में हमेशा के लिए बनना चाहता है वो आए यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और लॉक लगाए और चाबी को फेंकना है उसके अंदर, तो जिससे कि है ना वो हमेशा के लिए रिलेशनशिप में जो है ना बंधे जाएंगे। तो भाई देख लो आ जाओ 7 जन्मों का बंधन बंधने के लिए। ये देखो यार कितना खूबसूरत लग रहा है। इसीलिए इस जगह पे जो है ना ज़्यादातर कपल्स हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे अपने आप को बंधन में बांधने के लिए आते हैं, अपने रिलेशनशिप को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नज़ारा जो है ना रात को बहुत प्यारा है, मतलब ये मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आप यहाँ पे नियर बाय हो दनांग में आप इस जगह पे ज़रूर आना, या फिर दूर भी है। अभी हम लोग खुद स्कूटी से आए हैं, हमारे ये होटल से लगभग 7 किलोमीटर दूर है।